नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कावेंद्र चौहान। चलिए उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पंजाब सरकार के खिलाफ दिनेशपुर में बीजेपी में जन आक्रोश देखने को मिला, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से पंजाब सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए पंजाब सरकार का पुतला फूंका गया और विरोध प्रदर्शन भी किया गया। इस दौरान हिमांशु सरकार ने कहा कि हम पंजाब सरकार और मुख्यमंत्री की कड़ी निंदा करते हैं, हम आगे भी ऐसी निंदा करते रहेंगे। प्रधानमंत्री पंजाब के लिए 40,000 पैकेज की घोषणा करने जा रहे थे, 40,000 करोड़ के पैकेज की घोषणा करने जा रहे थे। यहां पर सोची समझी साजिश के तहत उनके काफिले को रोक दिया गया। कल कार्यक्रम वहाँ होने वाला था, पहले से लव विभाग वाले भी कह दिया था कि यहाँ सब ठीक ठाक है। रातों रात में एक षड्यंत्र रच कर पंजाब सरकार ने जो ये काम किया है, पूरा मोदी जी को बम से या दंगा करके मारने का एक साजिश था। ये बहुत ही गलत किया, ये निंदनीय है और बहुत ही शर्मजनक है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। पंजाब के लिए एक सौगात देने वाला था, 40,000 करोड़ रुपया पंजाब सरकार को देने वाला था, जबकि पंजाब सरकार चिन्नी सरकार इसको लेना नहीं चाहता है और षड्यंत्र के तहत हमारे पीएम मोदी को मारने का एक षड्यंत्र रचा गया था। आज हमें बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पंजाब सरकार ने जो कल जो कालाकृत्य किया है पंजाब में, एक प्रधानमंत्री जो पूरे विश्व का नेता है उनको रोकने का काम किया है और पंजाब सरकार को हम यहाँ से निंदा प्रस्ताव भेजेंगे कि पंजाब सरकार वहाँ से बर्खास्त किया जाए, वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। और यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठा होकर चन्नी की बहुत 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 निंदा करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं दून में मचे सियासी बवाल की, जहां बीजेपी और कांग्रेस के नेता दोनों आमने सामने आ गए। विवाद क्या है पहले वो समझे। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक के मामले में बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गए हैं। जहां बीजेपी कांग्रेस सरकार पर पुलिस की नाकामी का आरोप लगा रही है, वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ये मानने को तैयार नहीं है कि पंजाब पुलिस स्थिति का आकलन करने में विफल रही और पीएम के काफिले को उसी रास्ते से जाने की अनुमति दे दी जहां प्रदर्शनकारियों ने पहले से रास्ता जाम किया था। इसी मुद्दे को लेकर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में स्थित कांग्रेस भवन के बाहर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आए, जिसमें दोनों ही पार्टियों ने अपनी भड़ास पुतला दहन कर निकाली है। तो इस बीच हमारी सहयोगी निशी भाटिया हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई है। निशी, क्या अधिक जानकारी मिल पा रही है कि जिस तरीके से दोनों बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गए, क्या कुछ स्थिति वहां का देखने को मिली? तो देहरादून की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर पीएम की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर आज कांग्रेस दफ्तर के बाहर बीजेपी के कार्यकर्ता और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। विवाद की स्थिति को देखते हुए पुलिस ने मोर्चा संभाला और पुलिस ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को अलग अलग किया है। तो तस्वीर आपको लगातार दिखा रहे हैं देहरादून की, ये तस्वीरें जहां पर पीएम की सुरक्षा में हुई चूक के मुद्दे को लेकर बीजेपी अब आमने सामने आ गई है। कांग्रेस भवन के बाहर की तस्वीरें जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, जिसके बाद बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। पुतला दहन भी किया गया, जिसको लेकर विवाद की स्थिति बन गई। ऐसे में पुलिस ने मोर्चा संभाला और दोनों पक्षों को अलग अलग कराया है। तो हमारी सहयोगी निशी हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के लिए। तो निशी, ये देहरादून की स्थिति जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए, क्या स्थिति है फिलहाल अभी की, तस्वीरें क्या है? सर, इस वक्त जो स्थिति बनी हुई है वो कुछ इस प्रकार से है कि उत्तराखंड में लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है और भाजपा कांग्रेस के कहीं आपसी मतभेद के पीछे भाजपा और कांग्रेस के बड़े बड़े जो दिग्गज नेता है उनका पुतला दहन किया जा रहा है।
कांग्रेस जो लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और नेता हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी को टारगेट कर 2022 विधानसभा चुनाव में उनको निशाना बनाकर लगातार पीएम मोदी का उन्होंने सुबह पुतला दहन किया, उसके बाद भी अभी भी माहौल गर्म है, कहीं ना कहीं आक्रोश देखने को हर किसी कांग्रेस अपोजिट पार्टी के कार्यकर्ताओं में आंखों में देखने को मिल रहा है। इसके अलावा भाजपा भी कहीं ना कहीं पीछे नहीं हटी, उन्होंने भी साथ ही साथ कांग्रेस के दिग्गज नेता जो राहुल गांधी हैं और प्रियंका गांधी हैं उनका पुतला दहन किया और साथ ही साथ मुर्दाबाद के नारे लगाकर अपना विरोध प्रदर्शन करा और आपसी जो उनकी दिक्कतें चल रही हैं लगातार एक दूसरे को नीचा गिराने की कोशिश की जा रही है और दोनों ने ही अपने झंडों को लेकर कहीं ना कहीं एक दूसरे को गिराने की कुछ ना कुछ ठोस मुद्दे लेकर वो लगातार मैदान में उतर के तस्वीरों में निश्चित काफी आक्रोश नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ता और कांग्रेस के कार्यकर्ता दोनों तरफ काफी आक्रोश नजर आ रहा है। ऐसे में पुलिस अगर ना होती तो क्या स्थिति और ज्यादा बिगड़ सकती थी? पुलिस भी कहीं ना कहीं मौजूद थी पर कहीं ना कहीं वो भी इतने ज्यादा जो भयानक प्रदर्शन चल रहा था उस वक्त आक्रोश इतना ज्यादा था कि पुलिस प्रशासन जो वहां पर खड़ी हुई थी वो भी पीछे हट चुकी थी और कोई भी पुलिस प्रशासन का बड़ा अधिकारी भी वहां आगे नहीं आया इस प्रदर्शन को रोकने के लिए और आपसी जो उनका भड़ास थी वो लगातार जो कार्यकर्ता थे काफी ज्यादा माहौल गर्म हो गया था। वहां से लोगों की आवाजाही भी पूरी तरह से ब्लॉक कर दी गई थी और मेडिकल फैसिलिटीज वहां पर एम्बुलेंस भी खड़ी करी गई थी जिससे कि कोई अगर बड़ा हादसा हो जाता है तो फिर उसके बाद भी उसको देखा जाए, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन को इस मुद्दे के बारे में पहले से ही पता था तभी वहां पर इतनी ज्यादा सिक्योरिटी करी गई थी, लेकिन उस मामले को रोकने के लिए कोई भी पुलिस प्रशासन या फिर कोई भी बड़ा आला अधिकारी वो वहां पर नहीं पहुंचा जो वो उस मतभेद को सुलझा सके। मामला उल्टा और गंभीर होता गया, गर्म होता गया और इस चीज को लेकर कहीं ना कहीं अभी भी आक्रोश जारी है और ऐसा भी देखा जा रहा है कि कल फिर से कुछ ना कुछ बड़ा यहाँ पर हो सकता है प्रोग्राम और कहीं ना कहीं एक दूसरे को नीचा गिराने की लगातार कांग्रेस और भाजपा के बीच बड़ी बहस चल रही है। बिल्कुल निशी, जो आप हमको लगातार करंट अपडेट दे रही हैं ये और जानना चाहेंगे कि कांग्रेस के या बीजेपी के किसी बड़े नेता का बयान आया है इसके बाद घटना के बाद? मैं आपको बता दूं कि बीजेपी के कार्यकर्ता इस चीज में कोई भी आगे आने को तैयार नहीं था, लेकिन इसके बावजूद भी जो प्रवक्ता थे कांग्रेस के उन्होंने ये बयान दिया। मैं बताना चाहूंगी कि उन्होंने ये साफ तौर पर ये बताया कि भाजपा लगातार कांग्रेस को गिराने के लिए और किसानों को विरोध में लाने के लिए जानकर ये सब कर रही है और ऐसा कोई ठोस मुद्दा नहीं था जितना बड़ा ये मुद्दा बनाया जा रहा है, ऐसा कांग्रेस के प्रवक्ता का ये मानना था और साथ ही साथ कहीं ना कहीं कांग्रेस के लोगों का ये मानना है कि किसानों को इस चीज में टारगेट किया जा रहा है बजाय इसके कि भाजपा जो है असल हकदार है और वो जिम्मेदार है भाजपा इस वक्त, बल्कि जो वहां पर प्रदर्शनकारी मौजूद थे उनको विद्रोही बताया जा रहा है, खालिस्तानी बताया जा रहा है और इन सब चीजों में कहीं ना कहीं जो तीन काले कानून का कनेक्शन था जिस पर सरकार अभी तक कंफर्म नहीं हो पा रही है तो इस चीज पर भी अभी मुद्दा बना हुआ है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए निशी जी आपका और लगातार खबर पर आप नजर बनाई रखिएगा, हम आपसे आगे भी अपडेट्स लेते रहेंगे। तो देहरादून की एक खबर जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए, स्थिति गंभीर हो गई जिसके बाद पुलिस ने मोर्चा संभाला और दोनों ही तरफ के कार्यकर्ताओं को शांत कराया है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां चुनाव प्रचार में जुट गई हैं। उत्तराखंड की सियासत में बीएसपी भी मजबूत दावेदारी के साथ चुनावी मैदान में उतर चुकी है। बीएसपी भारी भीड़ जुटाने में भी सफल हो रही है। झबरेड़ा विधानसभा में बीएसपी प्रत्याशी आदित्य ब्रजलाल ने कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया जिसमें बीएसपी के सभी दिग्गज वरिष्ठ नेता शामिल थे। वहीं बीएसपी कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे बीएसपी के उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड प्रभारी नरेश गौतम ने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी ने केवल जनता का शोषण किया है। उत्तराखंड में रोजगार के लिए युवा दर दर भटक रहे हैं, अल्पसंख्यक और दलित समाज के साथ भेदभाव किया जा रहा है, बीजेपी सरकार संविधान को मिटाना चाहती है। झबरेड़ा विधानसभा की बहुजन समाज पार्टी ने आज यहाँ पर एक कार्यक्रम किया था जिसमें कि लाखों लाख संख्या में यहाँ पर हमारे जितने भी कार्यकर्ता है वो पहुँचे थे और ये जनसैला देख करके ऐसा लगता है कि आने वाला समय बहुजन समाज पार्टी का है और बहुजन समाज पार्टी निश्चित तौर पर इस विधानसभा जीत करके जाएगी। बिहार में भी जब इनका चुनाव था और वहाँ पर भाजपा जीत रही थी उन्होंने इसकी चर्चा नहीं की कि वहाँ पर कोरोना फैल सकता है,
अभी यहाँ पर बंगाल में जब चुनाव हुआ था वहाँ पर मोदी जी ने कोई चर्चा नहीं की, वहाँ पर उनको उम्मीद थी कि शायद हम जीत जाएंगे, लेकिन वापस आना पड़ा। अभी भी बीजेपी घबरा रही है, उत्तर प्रदेश में घबरा रही है, उत्तराखंड में घबरा रही है, पंजाब में। अभी लोगों का ध्यान भ्रमित करने के लिए बीमारी तो है, यह हम नहीं कह सकते नहीं है, डॉक्टर झूठ नहीं बोलते, बीमारी है, हमें सावधानी की ज़रूरत है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हवा खड़ा करके अपना उल्लू सीधा करना चाहती है। हम अपने लोगों से अपील करते हैं कि सावधानी रखें, मास्क लगाएं, दूरियां बनाएं और भाजपा को सबक सिखाएं। खबर रुड़की से। रुड़की के इमली खेड़ा में बीएसपी कार्यकर्ता सम्मेलन में मंच पर बैठे नेता कोविड नियमों की धज्जियां उड़ाते दिखाई दिए। बता रहे हैं कि मंच पर बैठे बीएसपी के प्रदेश प्रभारी समेत तमाम नेताओं के चेहरे से मास्क नदारद दिखे। इसी के साथ इस सम्मेलन में पहुंचे अधिकतर कार्यकर्ताओं ने भी मास्क नहीं लगाया था। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब ये नेता आम जनता से कोविड नियमों का पालन करने की अपील करते हैं तो क्या ये नियम इन पर लागू नहीं होते? के घरों में जाकर उनके समाज में जाकर के उनको बहुजन समाज पार्टी की नीति रीतियों से अवगत कराने का काम किया है। और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी निश्चित तौर से मजबूत इसलिए भी हो रही है कि यहाँ की जनता ने बीजेपी कांग्रेस को भरपूर मौका दिया है, कांग्रेस को दिया, बीजेपी को दिया, दोनों ही एक ही थैली के चट्टे बट्टे के रूप में फेल हो गई हैं। बार बार मुख्यमंत्री बदल करके अपने नाव को पार कराने की कोशिश कर रहे हैं, जनता समझ गई है और उनका विश्वास फिर से बहुजन समाज पार्टी की ओर रिटर्न हो गया है। देखिए, सर्व समाज के लोगों का सहयोग है और आपने देखा होगा करीब 5-6 हज़ार लोग यहाँ पे सर्व समाज के लोग निकल कर आए हैं और उसमें ज़्यादातर मेरे समाज के लोग, सैनी समाज के लोग यहाँ से आपने देखा कितने वो आए हैं, तो सभी का मुझे सहयोग है। और इस बार सब ने मन बना लिया कि बहुजन समाज पार्टी को भारी मतों से इस बार जिताने का काम। हरिद्वार में हुई धर्म संसद का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा, जहां धर्म संसद के संयोजक रहे संतों ने हरिद्वार में 16 जनवरी को प्रतिकार सभा और 21 जनवरी को हरिगढ़ एक बार फिर से धर्म सभा धर्म संसद करने का मन बना लिया है। वहीं धर्मनगरी हरिद्वार में हुई धर्म संसद लगातार चर्चाओं में बनी हुई है। इस बार विश्व हिंदू परिषद की नेता साध्वी प्राची ने धर्म संसद का समर्थन किया है। साध्वी प्राची का कहना है कि धर्म संसद होनी चाहिए और धर्म संसद पर निकलकर आए विषयों पर खुली बहस होनी चाहिए। वहीं महात्मा गांधी पर दिए गए कालीचरण के बयान पर साध्वी प्राची का कहना है कि यह बहस का विषय है जिस पर खुले मंच पर बहस होनी चाहिए। देश की नई पीढ़ी को पता होना चाहिए कि किसने देश की आजादी के लिए फांसी ली और कौन देश की आजादी के लिए लड़ा था। बहुत अच्छे से समर्थन कर रही हूँ, खुलकर के समर्थन कर रही हूँ, लेकिन अपने धर्म के लिए, अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए। इस पर मैं मीडिया के माध्यम से एक बात कहूंगी, इस पर मैं कोई बयानबाजी नहीं करूंगी, लेकिन इतना बात को जरूर कहूंगी कि इस पर खुली बहस होनी चाहिए और ये बहस का विषय होना चाहिए। ये मीडिया के माध्यम से हर चैनलों पर बहस हो, किसने फांसी खाई, किसने आजादी ली, किसको श्रेय मिला, इस पर बहस होनी चाहिए, ये बहस का विषय है। उन्होंने अपने जो मत जिस भाषा में व्यक्त किए थे उस पर कुछ विवाद हो सकता है। जहाँ तक धर्म संसद का प्रश्न है, भारत के विभिन्न भागों में धर्माचार्य समय समय पर धर्म के विषय में और समाज की जो कुरीतियाँ हैं उस पर चर्चा करने के लिए इस प्रकार के आयोजन करते हैं और आयोजन करने वाले सभी संत विभिन्न अखाड़ों से जुड़े हुए थे। एक दिन के सत्र में मैं भी उसमें गया था तो उस दिन तो कोई ऐसी घटना नहीं हुई, लेकिन अंतिम दिन कुछ संतों के द्वारा आवेश में आकर कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया जिसकी निंदा हम लोगों ने पहले भी की थी और उनको हिदायत भी दी कि आप आगे से इस प्रकार का कोई अगर आयोजन होता है जिसमें समाज में अगर विभाजन की रेखा पड़ती है या समाज में विद्वेष फैलता है तो ऐसे शब्दों के उच्चारण से संतों को बचना चाहिए, क्योंकि धर्म समाज को जोड़ता है, वो तोड़ता नहीं है। नैनीताल में पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर बीजेपी मंडल अध्यक्ष आनंद बिष्ट के नेतृत्व में दर्जनों बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पंजाब कांग्रेस का पुतला दहन कर राहुल, सोनिया गांधी, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद के नारे लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी मंडल अध्यक्ष आनंद बिष्ट ने कहा कि कांग्रेस हर तरह से विफल होती जा रही है, इसके चलते जगह जगह इस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। तो नैनीताल से तस्वीरें जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक के बाद लगातार बीजेपी विरोध प्रदर्शन कर रही है जगह जगह पर। ऐसे में नैनीताल से तस्वीरें जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का पुतला फूंका और साथ ही साथ कांग्रेस मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं। पंजाब में है उनके द्वारा किया गया
है, पुतला है कांग्रेस सरकार का, कांग्रेस का, क्योंकि ये सवाल मात्र हमारे पार्टी के जिनको हम तहे दिल से आदर सत्कार और प्यार करते हैं मोदी जी का ही नहीं बल्कि इस देश की महान जनता द्वारा चुना गया, महान संविधान द्वारा चुने गए प्रधानमंत्री का है। जिस तरह से एक असंवैधानिक कार्य, बहुत ही घृणित कार्य और बहुत ही नीची सोच के साथ पंजाब के अंदर एक उपलब्धि हुआ है, यह वास्तव में हर वो दिल, हर वो दिमाग जो इस देश से प्यार करता है। दिल्ली से पहुंचे अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के कोऑर्डिनेटर सुरेंद्र उपली सितारगंज विधानसभा में पहुंचे हैं। सुरेंद्र उपली ने सितारगंज के बलीनगर में महिला कांग्रेस कमेटी की टीम के साथ बैठक कर 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की। वहीं कांग्रेस की कार्यकर्त्रियों ने सुरेंद्र उपली का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में नई ऊर्जा का संचार हुआ है। वहीं सभी कार्यकर्त्रियों ने मिलकर कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, हरीश रावत जिंदाबाद के नारे भी लगाए हैं। कमेटी के कोऑर्डिनेटर सुरेंद्र उपली जी दिल्ली से सितारगंज विधानसभा में पहुंचे, जहां पे उन्होंने बली नगर के अंदर महिला टीम के साथ बैठक करी, महिलाओं को जागरूक किया, संगठन के बारे में उन्हें बताया, कार्यकर्ताओं की जो हमारी महिला टीम की कार्यकर्ता हैं उनकी नब्ज टटोलने का काम किया और संगठन की जानकारी जो आस पास से वहाँ पर महिलाएँ आई थी उनको सुनने के लिए, उनके विचारों को सुनने के लिए उनको संगठन के बारे में बताया, कांग्रेस की विचारधारा के बारे में बताया और सभी को मैंने अपने द्वारा सभी को महिलाओं को जागरूक करने का काम किया कि आने वाले 2022 के चुनाव में, अब तो आई गई हैं चुनाव, इन चुनावों में कांग्रेस पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा वोट करके भाजपा को करारी शिकस्त देनी है। उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद से चुनाव 2022 को लेकर हमारे हरिद्वार ब्यूरो चीफ मोहम्मद अजीम ने खास बातचीत की और इसी के साथ ग्रामीण इलाकों में कितना विकास हुआ उसको लेकर भी उनसे सवाल पूछे। इस दौरान क्या कुछ कहा मंत्री जी ने, आप भी सुनिए। हमारे साथ उत्तराखंड के सुपर सीएम स्वामी यतीश्वरानंद जी मौजूद हैं। हरिद्वार ग्रामीण 2012 में अस्तित्व में आई, 2012 में पहली बार विधायक बने, फिर 2017 में सूबे के मौजूदा मुख्यमंत्री हरीश रावत जी को भारी मतों से, करीब 13,000 मतों से हरा कर दूसरी बार विधानसभा पहुंचे और कैबिनेट मंत्री बने। आज हम उनकी विधानसभा का जायजा करने के लिए आए हैं कि उन्होंने कितना विकास कराया है। खुद स्वामी जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। स्वामी जी, न्यूज़ वन इंडिया में आपका स्वागत। धन्यवाद। क्या कहेंगे, 2022 चुनाव शुरू हो चुका है आगाज इसका, आपने 2017 में सूबे के मुख्यमंत्री हरीश रावत को हराया, इस बार कैसे देख रहे हैं विधानसभा को? मैं आपके चैनल के माध्यम से अपनी क्षेत्र की जनता को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने 10 साल से मुझे सेवा करने का मौका इस क्षेत्र से दिया और मुझे पूरा विश्वास है आगे जो आने वाला चुनाव है उसमें भी मुझे वो सेवा करने का मौका देंगे, क्योंकि जो वादे मैंने चुनाव के समय जनता के सामने किए थे वो काम करेंगे, लगभग वो सारे काम हम करने में सफल हुए। कल जो पंजाब में मोदी जी के साथ हुआ है उसके बारे में क्या कहेंगे? वो बहुत गलत हुआ है। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और इस प्रकार की बातें ठीक नहीं है, इससे आपस में द्वेष फैलता है। हम सब ठीक है, राजनीतिक अलग चीज़ है, अगर आप मोदी जी से नहीं चाहते देश का प्रधानमंत्री बने लेकिन आप वोट के रूप में इस्तेमाल करें ना, लेकिन ये क्या मतलब है गाड़ियाँ रोक लो, ये कर लो, ये बातें ठीक नहीं है। उनकी सुरक्षा में चूक को किसको जिम्मेदार है, मुख्यमंत्री को या वहाँ के अधिकारियों को? वहाँ की सरकार इसके लिए दोषी है, परी प्लान ये काम किया गया है। मैं समझता हूँ माननीय मोदी जी इस समय दुनिया के सबसे अच्छे और सबसे बड़े नेता हैं। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद जी, जिनका साफ तौर से कहना है कि मैंने 10 साल में यहाँ विकास जो कराया है यहाँ की जनता जानती है और तीसरी बार भी विधायक यहाँ के वही होंगे। और जो कल मोदी जी की सुरक्षा में चूक का मामला है, मंत्री जी ने साफ तौर से पंजाब की सरकार को इसका जिम्मेदार बताया, अपने सहयोगी ऋषभ चौहान के साथ
मैं मोहम्मद अजीम, न्यूज़ वन इंडिया, हरिद्वार ग्रामीण। लालकुआ के बेरी पड़ाव पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य का स्थानीय कांग्रेस पदाधिकारियों ने फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। कई बीजेपी नेताओं को कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कराने पहुंचे हरीश रावत और यशपाल आर्य की मौजूदगी में भारी जनसैलाब उमड़ा। उन्होंने बीजेपी के नेता शंकर जोशी और उनकी पूर्व जिला पंचायत सदस्य पत्नी को कांग्रेस पार्टी में दोबारा सदस्यता दिलाई। बता दें कि शंकर जोशी और उनकी पत्नी सहित तमाम समर्थकों ने यशपाल आर्य के बीजेपी में जाते ही उन्होंने भी बीजेपी का रुख कर लिया था, और जैसे ही यशपाल आर्य ने कांग्रेस में दोबारा वापसी की तो उनके समर्थकों ने भी पार्टी में वापसी की घोषणा कर दी। माननीय हरीश रावत जी ने जब भी वादे किए हैं उनको पूरा करने की कोशिश की है। पिछली सरकार में भी उन्होंने जितने कार्य किए हैं वो धरातल पे हैं, और आज जो ये वर्तमान सरकार जो कर रही है वो हरीश रावत की जो जितने काम हैं उन्हीं पे अपना मतलब नाम लिख रही है, और वर्तमान सरकार की वजह से प्रदेश में इतनी परेशानियां बढ़ गई हैं कि यहाँ की जनता जो है बहुत परेशान है। देखिए, अब लगातार कांग्रेस पार्टी की लगातार रैलियाँ चल रही हैं, 2022 नज़दीक है, दो ही महीने में ही काम मतलब आचार संहिता लग जानी है, और इसके लगातार हमारे माननीय यशपाल आर्य जी और एवं हमारे पूर्व के मुख्यमंत्री हरीश रावत जी लगातार दौरा कर रहे हैं। आज जो कार्यक्रम हमारे यहाँ पर हल्दूचौड़ में हुआ है, हल्दूचौड़ का एरिया है जो लालकुआ विधानसभा के अंदर आता है, इसमें कई लोगों ने जो पिछली बार हमारे जो माननीय यशपाल आर्य जी के द्वारा जो बीजेपी में चले गए थे उनकी घर वापसी उन्होंने उनके द्वारा हुई है। आज आदरणीय हरीश रावत जी तो यशस्वी मुख्यमंत्री रहे ही हैं और बनने वाले भी हैं, और मेरे राजनीति गुरु पिता माननीय यशपाल आर्य जी भी आए थे, जिनके निर्देशानुसार जिनके नेतृत्व में ही मैंने आज ये कांग्रेस में अपने परिवार में पुनः वापसी करी है। अब रही बात 2022 की चुनाव की, तो 2022 में निश्चित तौर पर ये देश में नारा लग गया है, उत्तराखंड के प्रदेश में नारा है, युवाओं में नारा है, पूरा उत्तराखंड प्रदेश के युवा किसान मजदूर और हमारी मातृशक्ति ये कहना चाह रही हैं कि मोदी जी 2024 तक आपसे बैर नहीं, और उत्तराखंड में 2022 में पुष्कर सिंह की खैर नहीं। देखिए, मौजूदा सरकार के विषय में तो जुमलेबाज सरकार ही है, इन्होंने खाली झूठे वादे किए हैं और झूठी घोषणाएं की हैं। आज देखिए, जमीनी स्तर से आम गरीब आदमी का स्तर अगर बढ़ाने का काम किया है तो हरीश रावत सरकार ने किया है, कांग्रेस सरकार ने किया है। विकास की सोच रखने वाली कांग्रेस सरकार आने वाले दिनों में जनता समझ चुकी है जुमलेबाज झूठे सरकार से, भाजपा सरकार से। आने वाले दिनों में 2022 में जनता ने मन बना लिया है कि कांग्रेस को लाना है, विकास के पथ पे आगे बढ़ाना है। आप लोग कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं कांग्रेस कार्यालय में, और इस समय लोग कांग्रेस को ताकत देना चाहते हैं, क्योंकि कांग्रेस के साथ वो उत्तराखंड का नया भविष्य देख रहे हैं, कांग्रेस के उत्तराखंड के विकास को देख रहे हैं, जन कल्याण को देख रहे हैं, इसलिए सब लोग कांग्रेस में आ रहे हैं। मैं उनका सबका स्वागत करता हूं। कांग्रेस पर हमलावर हो रही है भाजपा, कह रही कहीं ना कहीं बड़ी घटना होने वाली थी, वहां प्रधानमंत्री भी हमलावर हो रहे हैं। देखिए, एक चूक तो है, मगर वो चूक केवल राज्य सरकार के स्तर पर नहीं है, केंद्र सरकार की सुरक्षा एजेंसियों के स्तर पर भी है, और उस बात की गहराई से छानबीन। कालाढूंगी के कोटाबाग ब्लॉक के मुंसाबगर ग्राम में नेशनल लाइवस्टॉक मिशन योजना के अंतर्गत बृहद पशु प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। मंडल स्तरीय प्रदर्शनी होने के कारण कुमाऊं मंडल के सुदूरवर्ती स्थानों से किसानों ने अपने पशुओं के साथ प्रदर्शनी में प्रतिभाग किया। प्रदर्शनी में आए पशुओं को 9 श्रेणियों में बांटकर पुरस्कृत किया गया। इसी के साथ ही पशुओं की असमय मृत्यु के दौरान मुआवजा मिलने की जानकारी भी किसानों को दी गई। जो ये बृहद पशु प्रदर्शनी है ये कोटाबाग विकास खंड के बजूनी हल्दू मूसा मंगर में हो रही है। इसमें लगभग अभी तक शायद 150 से ज़्यादा एनिमल आ चुके हैं, और इसमें क्योंकि ये मंडली पशु प्रदर्शनी है, इसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट नैनीताल के अलावा पड़ोसी जनपद अल्मोड़ा, और बताया गया कि पड़ोसी जनपद अल्मोड़ा के सल्ट से और बाकी हमारे इधर उधमसिंह नगर से भी जानवर आए, लगभग 150 के आसपास जानवर यहाँ पर। आज जो विकास खंड कोटाबाग के मूसा मंगर ग्राम में ये मंडल स्तरीय पशु प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमारे पूरे कुमाऊं मंडल से किसान अपने पशुओं के साथ, सुदूर क्षेत्रों से भी किसानों ने इसमें अपने पशुओं के साथ प्रतिभाग किया है, जिसमें 9 अलग अलग श्रेणियों में वर्गीकृत कर उनको पुरस्कार देने की इसमें योजना है।
वहीं हरिद्वार के बहादराबाद थाना क्षेत्र में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। यहां पर हरिद्वार एसएसपी डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत ने प्रेस वार्ता कर 50 लाख रुपए की फिरौती मांगने और जान से मारने की धमकी देने वाले गिरोह का खुलासा किया है। बता दें कि हरिद्वार के थाना बहादराबाद में बीते कुछ समय से फिरौती मांगने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसके बाद एसएसपी के निर्देश पर पुलिस टीम की जांच की गई और पता लगाया गया, तो फिर पता लगा है कि बहादराबाद पुलिस को ये सब सफलता हाथ लगी। पुलिस ने फिरौती मांगने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया है। ये सितंबर के महीने में थाना बहादराबाद के एक सज्जन हैं, उनको उनके फ़ोन पर यह धमकी आ रही थी कि वो 50 लाख रुपए दे दें अन्यथा उनको और उनके परिवार को नुकसान पहुंचाया जाएगा। ये जो नंबर थे ये साधारण नंबर प्रतीत हो रहे थे अगर हम उनके कॉल डिटेल को देखें, लेकिन जब इन नंबरों को ट्रेस किया जा रहा था तो ये पता लग रहा था कि ये ऐसे व्यक्तियों के नाम पर हैं जो कि इस प्रकार की कॉल या तो कर ही नहीं सकते हैं, या ये नंबर वो थे जो कि प्रचलन से बाहर हो गए थे। तो जब इसको हमने और ज़्यादा ट्रेस किया तो पता लगा कि ये नंबर वर्चुअल नंबर से इनको किया गया है एक ऐप का यूज करके, और ये इंटरनेशनल कॉलिंग जो कार्ड होते हैं उनके द्वारा इसको फ़ोन को किया गया है। इसको फिर ट्रेस करते करते जब 2-3 देशों से संपर्क करने के बाद हम फाइनली पहुंचे तो ये निकल कर आया कि इस सारे को संचालित एक व्यक्ति कर रहा था जो स्वयं रियाद में सऊदी अरब में रहता है। लक्सर कोतवाली में एक व्यक्ति ने फर्जी रूप से एक मृत महिला की संपत्ति बेच दी थी, जिसके बाद मृतका के परिजनों ने मामले की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी और 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एक आरोपी महिला है जो कि वो फरार बताई जा रही है, जिसे पुलिस ने बीती रात गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुलिस ने गिरफ्तार महिला को जेल भेज दिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तो आप क्यों गए थे, आपने जमीन क्यों बेची? दारू कराएंगे तुम गरीब लोगों को, दवाई दारू कराएंगे, हम ले जाते हैं इसकी दवाई कराएंगे। अगर भगवान जाने क्या कहा, धोखाधड़ी करा उन्होंने, क्या करा, एक रुपया नहीं दिया माता को। जमीन का घोटाले का केस दर्ज था थाने में, जिसकी वजह से हमारे एसएसआई जॉब कर रहे थे, तो इसमें एक फर्जी राम तिवारी बनकर एक महिला ने रजिस्ट्री करी थी, हालांकि उसके पीछे कुछ और बड़े लोग थे। तो आज हमने उस महिला को पकड़ लिया जिसने उसमें रजिस्ट्री की थी। अब इनसे पूछताछ करने का अग्रिम कार्रवाई की जाएगी, जो इसके पीछे बड़ा फायदा पहुंचाने वाले लोग। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।